नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 19 अक्टूबर की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में, सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, सूर्य और बुध वृश्चिक राशि में, चंद्रमा और केतु धनु राशि में, गुरु मकर राशि में, शनि और मीन राशि में मंगल चल रहे हैं, जिसमें इस समय मंगल और बुध वक्री गति से चल रहे हैं, चंद्रमा नीच के हो गए हैं और सूर्य भी नीच के हैं। ये एक बड़ी खराब सिचुएशन है जब सूर्य भी नीच का और चंद्रमा भी नीच का। बहुत सावधानी पूर्वक सबको चलना चाहिए। खासकर इस समय मिथुन राशि, कन्या राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि, इन राशियों को बहुत हिसाब से अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए और पूरे जनमानस को अपने मानसिक स्थिति पे और वित्तीय स्थिति पे ध्यान देना चाहिए। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लग्नेश वक्री, अष्टम भाव में चंद्रमा, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते, बहुत बच के पार करिए, प्रेम में मत उलझिए, कोई लांछन लग सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, व्यवसायिक स्थिति फिर भी ठीक चलती रहे। सूर्य को जल दें, लाल वस्तु पास रखें। वृषभ राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, ऐसे दोनों बड़े परस्पर प्रेम में रहेंगे, बड़ी अच्छी स्थिति, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात भी संभव है, स्वास्थ्य भी ठीक है आपका, प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, व्यापारिक स्थिति ठीक चल रही है, पीली वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रेम में मत उलझिए, व्यापारिक स्थिति ठीक है बट स्वास्थ्य और प्रेम बहुत अच्छा नहीं है, लाल वस्तु का दान करें। कर्क राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम व्यापार सब कुछ बहुत थोड़ा खराब सिचुएशन में चल रहा है, बहुत हिसाब से चले, किसी भी तरह की कोई रिस्क लेने लायक आप नहीं है, शिव जी की आराधना करें, लाल वस्तु पास रखें। सिंह राशि, लग्नेश नीच के हो गए हैं, कमजोर स्थिति में है, इम्यून सिस्टम आपका घटा रहेगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, प्रेम अच्छा है, संतान पक्ष से अच्छी समाचार है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सही चल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, सूर्य को जल दीजिए, तांबे की कोई भी वस्तु पास रखें। कन्या राशि, पराक्रमी बने रहेंगे, आप द्वारा किया गया पराक्रम सफलता दिलाएगा, व्यवसाय में लाभ, प्रेम में लाभ, लेकिन स्वास्थ्य मध्यम है, ध्यान दीजिए, हरी वस्तु पास रखिए। तुला राशि की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ कही जाएगी स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि इस समय बुखार ही सबसे खतरनाक हो रहा है और तुला लग्न में नीच के सूर्य के जाने से शारीरिक तापमान बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी प्रेम व्यापार वगैरह सब सही चल रहा है, सूर्य को जल दें और काली जी की आराधना करें। वृश्चिक राशि, शासन सत्ता पक्ष से बिल्कुल बहुत आराम से निपटिएगा, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम अच्छा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब करीब आप ठीक है, सूर्य को जल दें, ताम्र की कोई भी वस्तु, तांबे की कोई भी वस्तु अपने पास रखें। धनुराशि, भाग्य पर भरोसा ना करें इस समय, अपने निर्णय पे भी बहुत भरोसा ना करें, अपने निर्णय में किसी न किसी को शामिल करें, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, हनुमान जी की आराधना करें और बजरंग बाण का पाठ करें। मकर राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम की स्थिति, व्यापार की स्थिति भी अच्छी है और धीरे धीरे आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, चलता रहेगा आपका, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ेगी, काली जी की आराधना करते रहे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा है बट प्रेम में तूतू मैमे के संकेत है या कोई डिटैचमेंट वाला मानसिक स्थिति बनेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, गणेश जी की वंदना करें, हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि की स्थिति भाग्यवर्धक है, भाग्य बस कुछ मिल सकता है आपको, स्वास्थ्य आपका अच्छा चल रहा है, व्यापारिक और प्रेम की स्थिति भी सही कही जाएगी, बस किसी छोटी बात को मत घुसने दीजिएगा अपने प्रेम में, लाल वस्तु पास रखें, हनुमान जी को प्रणाम करें, उनकी आराधना करें। नमस्कार।